दादी पतासो का कोई नया जा रही थी बड़ा खेड़ी गीता में चले ये पतासे पीले भी गाल दिए तुमने यहाँ बाकी तो दौड़े हैं दो पतासे मैं पहले देख लिया डर लुगा मैं फिर भी सने तेरे काम है मैंने बेरा तू मेरा ब्लॉग देखा रे छुप छुप के सब्सक्राइब नहीं कर रही तू मैंने लग गया चैनल ने मैंने आज देखा बेरा 70% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे सर्च मार के देखा हां ये तो होता ही है 70% हेलो गाइस पता चल जाता है यार नु को मेरी मौसी आई हुई है बीच लेता है बड़ी सारे बाणा ने पिछाना आपकी इन कई कम आवे है ऐसे बोल हेलो गाइस या मैं मौसी भी जी ज्यादा रहती है ये इसकी पोती है संभालने में मूड जी तो क्यों कर रहा थी ना मैं नहीं तते टी 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 तू नहीं आती व्लॉग में दे उसमें दिखाई देगी तो देखा रहना मेरे व्लॉग फिर उसमें दिखाई देगी ले जा तो पी ले छिली हो जाएगी फिर लड्डू खा ले क्यों ये खाओगी नमकीन बिस्कुट है मोटे मोटे हैं इसके डोरीमोन के ओए मैं नहीं डरती इससे डरा रही है दिखा दांत दिखा डोरीमोन के दिखा डांस नहीं करती ए छाया लचिया नेल पेंट ला के कित जावे थी तू सारे अपनी दादी के लते डांस दी बस लाग गई बतेरी बस हट के पूछ पूछ कला होया तो ए छोरी छोरी सांगी हैं लग गया तो बतेरी हाथ गंदे हो जाएंगे बस लग गई रख दे रुक जाओ तेरे दादा खड़ा नहीं चले ना रुक तेरे दादा बाज जगह छोड़ के थमने बजने दे अरे चाचू छोड़ का होगा फिर भाई तो नेल पेंट ला के जाओगी लग गई तो कर दे बंदे उखंडाए थी छोड़ दी जल्दी बंद कर जल्दी दूसरी भी दे बता दोनों डाल के लाओगी और अगली बारी आओ जब ला लिए ला मैं इसे ना थाली में डाल के ले चल लूंगी नुका नेल पेंट ला के चल लूंगी देख वो लगा ली मनु उधर दादा मैं तेरे दादा बाज जगह छोड़ के नुका बाज जने दे थाली में डाल ली मैंने तो चल मैं अगले चल कितनी अच्छी कथी है हाल भी है तो बोझ को नहीं समझ कथी भी उड़ा बैठ के लाइए जा गाड़ी में बैठ के ला ले चाचू छोड़ के आवे जा गाड़ी में लगा लिए चल भाग ले बाय करो दादी की बाय कर दे थैले में डाल ए रुक जा मेरे द्वारा उगनी है दरीला मैं दे रुक जा थैले जदे कितनी सुंदर सुंदर ठीक है अब तो ठीक है ना हाँ जा जा कर ला लिए जब सोते हो ना घर में यहाँ सारे जो इनका सब कर ला दिया यार तू ठीक है ना अब यहाँ पे नहीं लगा नहीं उड़ा ला लिया कर आ जा कर ली पूरी चेक कर लेगी तो बंद कर इसको ही बो या तो हूँ है तू नकना हाँ बढ़िया चलो बाय ले जा ठीक है बाय तो कर दे इवनी बोल दिया बाय नहीं करती मेरे तय बाय ऐसे बोल दे दादी कब आओगे यहाँ पे आऊ मैं थारा है वो तो वहाँ पे टॉयज नहीं है और मेरा पापा लेगे तेरा पापा लेगे टॉयज फिर मैं टॉयज तक खेल लूंगी अरे मैं तो चाय पीना आऊंगी थारा है नहीं भूत है वहाँ पे है ना कल आती हूँ मैं भूत है ना वहाँ पे कल आ जाऊँ भूत है सही है गोद में मौसी जब ये तेरी मौसी की गुट्टी ले रही है सही बना रखी है कति नुका मारा मत आई है बाद में बता दिया जो है भूत है टोएज नहीं है भला मेरा पापा ले गया टोएज जाना चुप्पू कितना बड़ा है घर आ जाकर खाई यारी ना ठीक है घर आ जाकर अपने दादा तो बता दे नुका रानी दादी ने दिया है चल तेरे घर इब तो आ जाऊं मैं सारे खा लिए मिल बट गए आए ईब तो आ जाऊं मैं थारे घर हां पैकेट में देखा ईब तो चुड़ैल नहीं ना थारे घर चुड़ने हो जाएंगे इस तरह चुड़ने तो नहीं हो जाएंगे सुंदर लगेगा सुंदर लगेगा ये कच्चे बादाम से लगेगा कच्चे बादाम जैसा लगेगा देख ले इसकी बात आना ही बीम भी नहीं मतलब देख ले मेरी बेबे की पोती कितनी सहनी है नहीं आना ना इब्बी भी नहीं आऊं फिर मेरा चप्पा दे वापिस
डम्मी तो रह रहा है मेरा चप्पा दे फिर वापस जब तू बुलाती नहीं तो और मेरे नेल पेंट दे थोड़े छोड़ोगे कुछ सी चप्पल है ये अच्छा चप्पा ये मारा है ले दे मने तो दिया था कुछ नहीं होता ठीक है हाँ बाय चप्पा तो तेरे आ रही हूँ मैं भी कल था रहा ठीक है हाँ बाय और अभी आज बनाएंगे खाने में आलू गोभी गोभी तो दर दे अरे तेरा कदे जी नहीं करता गाड़ी माता सब्जी रोटी खाऊं बना के ऐसी सब्जी बना आज ये बना दे अरे आलू मेथी ली थी मैंने या मेथी खराब भी होगी बोला आलू मेथी हम नहीं खावा साफ कर 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 दे तो मेरे फ्रेंड आ रहे हैं ना तो मैं वो जाना पड़ेगा तेरे फ्रेंड नहीं बना देना आज तक जिंदगी में बनाई है कदे भी बोल करो रहने दे बहुत बढ़िया अमरूद है खांदा तो खा ले इस टाइम को अमरूद खा रहा है किस टाइम खा कर और अमरूद जड्डे में तो खाया कर नहीं लगते वो कर दो यार कल लिए थे ग्रीन लिया करो बिल्कुल ग्रीन को नहीं आ रहे थे कदे नहीं ले सारी फ्रूट मैं ही खाऊं फिर तुमनु को मम्मी सारा दिन खाए जोर के करू फिर मैं अमीरा मम्मी रे केसर है इसमें केसर हां यो हमने दिखाने के लिए इधर रखा ना और कुछ नहीं मार दो दिखाने के लिए सिर्फ यो ही है टमाटर के रचा गांव तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी नहीं हुआ नट है आलू मेथी तभी नटो के बनाऊ फिर मैं और तो सारी जलेबी सारी बर्फी जलेबी तो एक तेरी मौसी तक खुआई थी एक टुकड़ा बर्फी मना खाई है बदनाम कर रखा मेरी मम्मी तो सारा दिन खावे सारा दिन खावे सच बोलता हूँ मैं बदनाम थोड़ी कर रखा फिर ऐसा मैं तो खाऊंगी तेरा जी कर दो खा ले ना एक बर्फी क्यों मैं तो तीन भी खा लूंगी कुछ खाऊंगी अरे देखो किस आदमी आनी माँ की बर्फी खाने पे भी रो रहा है वो यार ये एक झूठ बोलन लाग रहा एक नहीं छोटी यार ये एक मेंढक का खून इसका क्या करोगे अरे इसको कभी भी पी सकते हैं कुछ नहीं इसमें कभी नहीं इसमें ऑक्टोपस बना पाओगे नहीं बना पाओगा यो सीरा है गाजर का सिरका पड़ा रहा है इसमें सुनो इसमें फिर एक बार हाँ इस आया मैं पी का रही हूँ तने क्या करना दर्द दे उन्हें मेरे तनु कही थी इसको एक डेढ़ महीने रखना उसके बाद पीना है क्यों जगह इसका बेरा नहीं मैंने वापसी के साथ क्लीन होता क्या होता इससे पता नहीं मैं सही हूँ चलो ठीक है तो अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी उसके लिए पहले मैंने गोभी को काट के गर्म पानी में भिगो दिया है क्योंकि आजकल मतलब गोभी पर स्प्रे करते हैं तो इसलिए इसको अच्छे से धोकर फिर मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो लिया इसको और किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें मैं ना प्याज डालूंगी और ना टमाटर डालूंगी बाकी क्या क्या डलेगा वो बता देती हूँ आपको तो यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन मैंने कूट कर रख लिया था पहले इसमें ऑर्गेनो पड़ेगा और किस तरह पड़ेगा वो बता दूंगी थोड़ी सी साबुत वाली मतलब वो क्रस सी कर लेते हैं लाल मिर्च एक है ये क्रस कर रखी है कसूरी मेथी है ये है सब्जी मसाला धनिया सॉरी ये है जीरा और ये है धनिया पाउडर जो मैंने थोड़ा मतलब ज्यादा बारीक नहीं कर रखा थोड़ा मोटा दरदरा पीस रखा हल्दी और नमक अपने स्वाद के अनुसार तो यहाँ पे फ्राई पैन है एक मेरे पास देखो अभी ये नॉन स्टिक बहुत अच्छा पैन था लेकिन अब ये थोड़ा सा काफी टाइम हो गया इसको यूज करते हुए तो इसमें ये दाग से हो गए हैं मतलब इसकी जो ये थी परत सी वो उतरने लग गई है तो सबसे पहले इसमें क्या करना है वो बता देती हूँ मैं इसमें हम जीरा डाल के और साथ में जो लहसुन और मिर्च का पेस्ट है वो डालेंगे एक बार मैं डाल लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर डाल लिया है जीरा और लहसुन का पेस्ट लहसुन और हरी मिर्च का और अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अभी हल्दी और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे बाद इसमें डाल लूंगी एक चम्मच सब्जी मसाला उसको भी थोड़ा सा पका लेंगे अभी मैं डाल लूंगी इसमें ये जो मैंने गोभी काट रखी और आलू काट रखे हुए गोभी और आलू डाल लिए हैं और इसमें अपने स्वाद के अनुसार अभी मैं डालूंगी नमक
जितना आप खाते हो हमेशा अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो सारे मसाले और आलू गोभी हो चुकी हैं अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर, बस 10-15 मिनट में पक जाएगी। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और गैस थोड़ी कम कर देंगे, ज़्यादा होगी तो वो फिर जल सकती है, तो इसलिए गैस को कर देंगे कम। तो 10 मिनट के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और सब्जियाँ पकने वाली। अभी क्या करेंगे, बस 2-3 मिनट में पक जाएगी। इसमें थोड़ा सा तो डाल लेंगे पिसा हुआ धनिया, ठीक है, और कसूरी मेथी, और ये थी जो एक लाल मिर्च थी, और ये ऑर्गेनो इसमें डाल देंगे और इसे करेंगे मिक्स। तो ये हो चुका सब अच्छे से मिक्स। और अब 2-3 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देनी है, ताकि ये जो सारे ऑर्गेनो वगैरह मैंने इसमें डाले हैं, हर्ब्स वगैरह, वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसको हम ढक देंगे, और जब तक 2-3 मिनट लगेगी मैं हरा धनिया साफ कर लेती हूँ, फिर ऊपर से थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया। ओए होए देखो क्यों मिट्टी लग रही है, कति जड़ तक पाड़ रखा, क्योंकि बारिश आई थी ना, तो इसलिए पूरी मिट्टी गिल्ली हो रही होगी। अभी मैं अच्छे से इसको धो लेती हूँ और काट लेती हूँ। ये तैयार, चेक कर लेती हूँ। हाँ भाई, बन के है तैयार। और सारे जो भी मसाले थे अच्छे से हो चुके हैं मिक्स। और देखो इसमें ना हमने प्याज डाले हैं ना टमाटर डाले हैं, तो बगैर प्याज टमाटर की ये सब्जी है। और बनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे हरा धनिया जो मैंने काट कर धो लिया है। तो सब्जी बनकर है तैयार, और अभी बाकी है बस रोटी बनानी। और मैं इसको ढक देती हूँ और गैस को कर देते हैं बंद। तो अगर सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कल का व्लॉग आप देख सको। और 75% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो प्लीज सब सारे सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तू ही आड़े था, तू किता एकदम लगड़गा, मैंने तो सोचा तू जालिया पा रहे। फिर सब्जी बन गया गरम और रोटी खा फटाफट। देख तने नहीं दिखा था ऐसी टेस्टी, खुशबू नहीं आई, खुशबू नहीं आई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यो ना कति कुत्ता है नंबर का, देखियो कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है, मजा आया। तो गाइज मैं बना रही हूँ अभी रोटी, और कल कौन पागल है, नहीं दोबारा बोलो, मैं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ रोटी, ठीक है गाइज, बाय बाय। मैं रोटी बना लेती हूँ और कल फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए सब ने आपके लिए समोसा बनाया, या कुत्ते के नीचे में पिल्ले हैं, रहने दो, मैं इतनी मोटी है, खाओ आप रोटी। फिर खुद तो बनाओ, खुद बना के कुछ खाओ, तू बना के खा लिया कर, ठीक है गाइज, बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में। और अभी हम गर्मा गर्म रोटी खा रहे हैं सूखी आलू मेथी गोभी की सब्जी के साथ।